ग्रेटर नोएडा में हुआ डबल मर्डर। कार से जा रहे पति पत्नी को उसी के भतीजे ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के चिठेरा गांव का है, जहां पर आपसी रंजिश के चलते भतीजे ने अपने चाचा और चाचे की हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव में वेदराम अपनी पत्नी के साथ एक पंचायत में पहुंचे थे। वेदराम के बेटे पर अपने ही चचेरे भाई की हत्या का आरोप था, जिसकी सुनवाई के लिए ये दंपत्ति पंचायत में आए थे। इसके साथ वेदराम का भतीजा भी वहां मौजूद था, पर इस मामले में पंचायत किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई थी। जैसे ही वेदराम अपनी पत्नी के साथ घर जाने के लिए कार में जाकर बैठे, तभी उन्हीं के सगे भतीजे ने दोनों को गोलियों से भून दिया और फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और परिजनों के आधार पर भतीजे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो जो मर्डर हुआ है वेदराम और उनकी पत्नी का हुआ है। वेदराम जो कि हेतराम के भाई हैं, तो संभवतः आज दोनों पक्षों ने बैठ के कोई मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में शायद किसी बात को लेकर अनबन हुई है, उसके बाद जब यहाँ से निकले हैं तब ये घटना कारित की गई है। दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई है। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भिजवा दिया है। तहरीर लेके हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की। पुलिस की माने तो दो सगे भाइयों की आपसी रंजिश के चलते इस दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।